हेलो लियो, लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे लियो जो आपके पर्सन हैं उनके आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे उनके प्रति क्या हैं, अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं लियो के लिए राइट नाउ, लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। टेन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो सॉरी गाइस, नाम है लियो जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि सबसे पहले उन्हें इस रिश्ते में जाने से पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। सिंगल रहते हुए यानी कि जो दूरियां बनी हुई हैं तो सिंगल रहते हुए हुए अगर वो अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे करके सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़ेंगे और रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। जो पैसा है जो प्रॉपर्टी है अगर सारी चीज़ें होंगी तो रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि अगर से उनके पास पैसा प्रॉपर्टी नेम फेम जो जॉब बिजनेस करियर पैसा होगा तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है वो स्टेबिलिटी बनेगी, वो बैलेंस बनेगा, इक्वलिटी आएगी। और अगर प्यार से प्रेम से आप एक दूसरे को उनको लग रहा है कि प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होते हुए पॉजिटिविटी आएगी। और आपके पर्सन ये भी महसूस कर रहे हैं कि भले ही आप हो सकता है कि इन दिनों आप लोन अप्लाई करना चाहते हो कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, किसी अच्छे जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, तो वो ये भी चाहते हैं कि आप उसमें से कुछ पार्ट भले ही आपका इन दिनों हाथ तंग है लेकिन फिर भी आप कुछ दान करें, दक्षिणा करें, गरीबों को दान दक्षिणा देंगे तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। तो ऐसा भी वो फील कर रहे हैं, ऐसा भी उनको लगता है कि उन्हें भी खुद दान दक्षिणा करनी चाहिए, उनके पार्टनर को भी करना चाहिए ताकि जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज वही जिम्मेदारियां अगर वो स्टेप बाय स्टेप करके परिवार या फैमिली के साथ मिलकर या एक एक करके उठाएंगे तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज वही जिम्मेदारियां उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगी, उस रिश्ते को एक फैमिली एक परिवार बनाने में मदद करेंगी, खुशियां आएंगी और ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बनेगा, ये रिश्ता एक नया मोड़ एक नया अंजाम लेगा, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि सबसे पहले उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए ताकि इसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके। तो इसमें वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे, अपने पहले वो उन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं जो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने में मदद कर सके, इस रिश्ते को खुशहाल बना सके। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो वही चीज़ें आप भी महसूस कर रहे हैं जो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। आप ड्यूअल पर्सनैलिटी में हैं यानी कि आप जगलिंग फेज में हैं, जिग जैग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, आपको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं
कि आपको सिंगल रहना चाहिए, अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, या जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी आगे बढ़िएगा। या फिर आपने सोचा है कि सबसे पहले आप सिंगल रहते हुए पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी उनके ऊपर फोकस करेंगे, ताकि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर उसके बाद आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, इस रिश्ते को हील करना चाहेंगे, अपना नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो आप हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए इस रिश्ते में अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं, और धीरे धीरे करके आप चाहते हैं कि जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आएंगी। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि कुछ केसेस में आपको अभी आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस पैसा इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, नज़रिया चेंज करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कुछ केसेस में आप सिंगल रहते हुए जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, और कुछ केसेस में अपना नज़रिया चेंज करते हुए जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उस पर फोकस करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, बिगनिंग शुरुआत होगी, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं, सबसे पहले वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं, यही एक्शन वो लेने वाले हैं कि इस सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए वो इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, ना तो उन्होंने किया है, ना तो आपने किया है, दोनों तरफ से ही कन्फ्यूज़न हुई है, दोनों तरफ से ही परेशानियाँ हुई हैं, शायद अभी भी दोनों इस परेशानी से जूझ रहे हैं, अभी भी आप चोटिल हैं, यानी कि अंदर से दुख है आपको। तो इसलिए जो आपके पर्सन हैं वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, और चीज़ों को सही होने का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। वो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि अगर वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो सही समय आने पर रिश्ता गॉर्जियस होगा, सक्सेसफुल होगा, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम, सारी चीज़ें आएंगी, और ये रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। चाहे इसमें 3 दिन लगे, 3 सप्ताह लगे, 3 महीने लगे, लेकिन वो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, और वो सही समय आने पर, सही वेट आने, वक्त आने पर इस रिश्ते को गॉर्जियस, सक्सेसफुल, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, सारी चीज़ों के साथ खुशहाल देखना चाहते हैं। तो यही उसमें एक्शन लेने वाले हैं वो, कि ये रिश्ता खुशहाल हो, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता जो है स्टेबल हो जाए, खुशहाल हो जाए और आगे बढ़ जाए। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 7 ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ते में कोई कमिटमेंट, कोई ठहराव, कोई इकरार दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप कन्फ्यूज हैं। हो सकता है कि इसके अलावा आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन और ये ऑप्शन भी है। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप जो आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमेनिया जैसी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है कि आपके पर्सन ने आपको दुख दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था, तो पहले आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। तो इसका तभी आप इसका जब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस रिश्ते में हो सकता है अभी भी माइंड गेम चल रहे हैं। या तो आप में ईगो है, या तो आपके पार्टनर में ईगो है, या फिर आप लड़ाकू टाइप के इंसान कोई भी एक जना हो सकता है, और आप कोई तो है जो, या फिर कोई ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो दोनों के साथ इन्वॉल्व, दोनों को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो जब तक ये ईगो फाइट्स ड्रामा ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आप एक ये लड़ाई झगड़े को ख़त्म नहीं कर लेते, इस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है जब तक आप इस परेशानी से, इस दुविधा से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाते। क्योंकि जब तक आप अपने अहम को छोड़ नहीं देंगे, चाहे वो आप हैं चाहे आपके पर्सन हैं, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि अगर अहम जीत भी जाएगा तो इंसानियत हार जाएगी। तो इसलिए यूनिवर्स जी आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप अपनी इंसानियत, पहले अच्छे इंसान बनिए, अपने जो है अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ दीजिए और इन एंड आउट की स्थिति को छोड़िए। कमिटमेंट वगैरह कीजिए, एक ठहराव लाइए, कन्फ्यूज़न से बाहर आइए और तभी इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। जब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अभी इस रिश्ते में परेशानी है, अभी कन्फ्यूज़न है, ड्रामा फाइट्स हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है, चीटिंग और फ्रेप चल रहा है। तो अभी आपको इस रिश्ते में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो आपको सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मायूस मत होइए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए आप, नहीं तो अगले हफ्ते क्या फिर से कभी भी जो है चेंजिंग आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, चीज़ें बदल सकती हैं, समय करवट ले सकता है। तो थोड़ा सा वेट और इंतज़ार कीजिए, सब सही होगा, वक्त के साथ चीज़ें बदलेंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।